एक राज्य, 334 कैंप और 70,000 लोग। आप समझ ही गए होंगे, बात मणिपुर की हो रही है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन जातीय हिंसा की तपिश कम नहीं हो रही। मणिपुर में तनाव की ताजा तस्वीरें आई हैं। इन्हें देखने से पहले ये जान लीजिए कि जिन कैंपों में हिंसा के पीड़ित रह रहे हैं, वहां हालात कितने खराब हैं। 1 और 2 सितंबर को IDPD यानी इंडियन डॉक्टर्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की 5 सदस्यीय टीम मणिपुर पहुंची। मतई और कुकी दोनों जातियों के इलाकों में बने रिलीफ कैंप का दौरा किया। 4 सितंबर को रिपोर्ट रिलीज हुई। IDPD के मुताबिक रिलीफ कैंप में हालात बहुत खराब हैं। डेंगू और जापानी इंसेफलाइट्स का प्रकोप फैल रहा है। अब इस रिपोर्ट को इम्फाल के स्पोर्ट्स हॉस्टल में बने एक रिलीफ कैंप के उदाहरण से समझिए। IDPD के मुताबिक यहाँ 45 कमरों में 45 परिवार रह रहे हैं और यहाँ टॉयलेट सिर्फ 20 हैं। साफ सफाई और बीमारी रहित वातावरण की उम्मीद भी बेमानी है। पानी सप्लाई के नाम पर बाल्टी है। राहत शिविरों में 10,000 की तादाद तो बच्चों की है। 3 मई की हिंसा के बाद 2 महीने तक स्कूल बंद थे। खुले भी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। एक उम्मीद है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 सितंबर को इन उम्मीदों को भी एक बड़ा झटका लगा। एक संगठन के भड़काए जाने के बाद 30,000 की भीड़ चुरा चांदपुर विष्णुपुर बॉर्डर पर जमा हो गई। इस भीड़ में शामिल हर शख्स को पता था कि कर्फ्यू लगा है, बावजूद इसके कर्फ्यू तोड़ा गया। भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के शेल दागे गए। भीड़ पीछे नहीं हटी तो रबर की गोलियां चलानी पड़ी, तब जाकर हालात कंट्रोल में आए। इस बवाल के पीछे था मैती संगठन कोकोमी यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। कल सुबह 10:30 बजे विष्णुपुर के क्वाक्टा में भीड़ जमा हुई और कुकी लोगों के इलाके की तरफ कूच करने लगी। इंटेलिजेंस को पता था कि मैती संगठन माहौल बिगाड़ने की फिराक में है, इसलिए 5 सितंबर को राज्य सरकार ने घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद बवाल हो ही गया। सुरक्षा बलों के साथ क्लैश में कम 28 लोगों के घायल होने की खबर है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को हिंसा प्रभावित लोगों को भोजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। और कल ही मणिपुर में फिर से बवाल हो गया। 4 महीने के ऊपर का वक्त हो गया। कुकी और मैती के बीच संघर्ष तो कम नहीं हुआ, लेकिन कुछ संगठन अब भी माहौल बिगाड़ने की ताक में है।